नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद लेखन, जिसे पैराग्राफ राइटिंग भी कहा जाता है अंग्रेजी में। वो ही होता है अनुच्छेद लेखन, अर्थात अनुच्छेद का लेखन करना। ये एक कला है, एक बहुत बड़ी आर्ट है। अनुच्छेद लेखन जो किया जाता है वो बहुत महत्व रखता है, चूँकि अनुच्छेद जो होता है हर जगह बहुत उपयोग होता है। बहुत सारे जगहों पे आपने इसका उदाहरण देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा तत्कालिक भाषण इत्यादि होता है, उसमें भी कई बार इसका प्रयोग किया जाता है। लिखने में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। छोटे छोटे शब्द जो होते हैं मिलकर बहुत बड़े शब्द बन जाते हैं, और कहा जाता है शब्द तलवार से भी बढ़कर होते हैं। जो कहा जाता है, लिखा जाता है, वो बहुत बड़े हद तक अपना छाप छोड़ते हैं जब उपयोग किया जाता है इस कला का। तो इसके लिए हमें अनुच्छेद लेखन सीखना बहुत आवश्यक है। न सिर्फ अनुच्छेद लेखन काम आता है आपकी परीक्षाओं में, बल्कि हर जगह अनुच्छेद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आपको कोई भी काम करना हो, जहां पर भी आपको लेखन करना हो, अनुच्छेद जो होता है हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मैं भी आपको पूरा विस्तार से बताऊँगा ये किस प्रकार से होता है। तो अनुच्छेद लेखन होता है किसी भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात किसी अनुच्छेद में सारे वाक्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और पूरे उसे मिलाकर अनुच्छेद बनते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे भाव होते हैं, और ये बनते हैं एक अनुच्छेद। अनुच्छेद जो होता है उसे पैराग्राफ राइटिंग भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसके लिए वीडियो हमने अपने चैनल पर रखा हुआ है पैराग्राफ राइटिंग का, उसे आप देख सकते हैं अंग्रेजी के लिए। और ये हिंदी के लिए है अनुच्छेद लेखन। बहुत सारी इसकी जो बातें हैं वो अंग्रेजी के लिए भी कॉमन है, तो अंग्रेजी में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। साधारण भाषा में समझने के लिए कहूँ तो अनुच्छेद जो होता है हर भाषा में लिखा जाता है, हर प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, और पूरी तरह से सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। लेखन शैली प्रस्तुत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हर व्यक्ति को अनुच्छेद लेखन करना होता है। किसी भी घटना, दृश्य अथवा विषय के बारे में आपको कुछ भी लिखना हुआ, यहाँ तक कि आप जब अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, और बहुत सारी जगह जहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, उन सभी जगह पर अनुच्छेद लेखन दिखाई पड़ सकता है। आप देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ आएगा कि अनुच्छेद आप हर जगह लिखते ही हैं। साथ ही साथ इसका जो सीमा होती है, जो नियमतः जो अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है, और पेपर जो प्रश्न आते हैं उसमें अनुच्छेद लेखन कहा जाता है, तो 80 से 100 शब्दों के बीच में विचार व्यक्त किए जाते हैं इसमें। क्योंकि विचार व्यक्त करना है, शब्द इसमें रखना होता है, तो मूल विषय से जुड़ा होता है। जो भी शब्द दिया जाता है या विषय दिया जाता है वो मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं होता, नहीं दिया जाता। और जो शब्द दिया जाता है, जो शीर्षक दिया जाता है, उसी के आसपास बातों को घुमाकर रखा जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। और ये कोशिश किया जाता है कि जो विचार हैं इस तरह से हों कि एक दूसरे से बंधे हों, और एक स्थान से देखने पर दूसरे स्थान का इसमें स्पष्ट जिक्र होता है। जो अनुच्छेद होता है अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, किसी निबंध या कविता या पुस्तक का हिस्सा ये नहीं होता। ये अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होता है, शुरुआत से लेकर आखिर तक। अर्थात जो अनुच्छेद होता है वो अपने आप को पूर्ण करता है, और जो कुंजी होती है या जो भाव होता है या तो प्रारंभ में रहता है, और यदि आपको प्रारंभ में जो आपने अनुच्छेद लिखना प्रारंभ नहीं किया और जो शीर्षक है उससे आपके भाव नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इतना अवश्य कोशिश किया जाता है कि वो अंत तक जुड़ के बन सके। और साथ ही साथ जो उच्च कोटि के अनुच्छेद होते हैं तो उसका विचार अंत में दिया जाता है, और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो पाठक है, उसके मन पर वो अपनी छाप छोड़ सके। साथ ही साथ छोटे छोटे वाक्य होते हैं इसमें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अनुच्छेद जो होता है उसमें छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो विषय के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। हो सकता है उनमें आपस में कोई जुड़ाव ना हो, लेकिन विषय के आधार पर उनमें जुड़ाव होता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। इसे आप एक निबंध भी समझ सकते हैं, छोटा सा निबंध, लेकिन निबंध में बहुत विस्तार होता है, भूमिका और उपसंहार और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो अनुच्छेद होता है, पैराग्राफ होता है, ना उसमें भूमिका होती है, ना ही उसमें कोई अंत होता है या उपसंहार लिखा जाता है, लेकिन इस प्रकार से उसे बनाया जाता है कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि निबंध का सारांश एक तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसमें पक्ष विपक्ष का जिक्र नहीं होता। और उसमें निबंध में जिस प्रकार से आप अपने आधार पर सवाल भी
पूछ सकते हैं पाठक से, तो इसमें जो अनुच्छेद है उसमें सवाल नहीं पूछा जाता, ये होता है अनुच्छेद। साथ ही साथ ये बहुत लघु विधा है, इसमें किसी वाक्य विचार अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है, और इस प्रकार से व्यक्त करना होता है कि जो पढ़ने वाला है उसे पूरी तरह से वो समझ आ सके। अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से किया जाता है, तो जो अनुच्छेद होता है किस प्रकार का होता है, अर्थात किस प्रकार की चीजों का होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, किसी खास विषय का विवरण बनाना हो सकता है, किसी प्रक्रिया का वर्णन करना हो सकता है, ये शीर्षक में आपको मिलेंगे, किसी खास अवसर का वर्णन, किसी के चरित्र का वर्णन करना हो सकता है, किन्हीं दो चीजों की तुलना करना या किसी चीज का कारण और प्रभाव बताना, इस प्रकार से इसके विषय हो सकते हैं विभिन्न प्रकार से। जो शीर्षक है वो कुछ उदाहरण मैं आपको जरूर बताऊंगा किस प्रकार से होता है, और ये होते हैं मुख्य तौर पे। तो आप ध्यान रखिए कि इस प्रकार से किसी न किसी तरह के अनुच्छेद से आपका सामना अवश्य पड़ेगा, जब आप पेपर में जाएंगे किसी न किसी रूप से ये जुड़े होंगे। अनुच्छेद के मुख्य तौर पे तीन भाग होते हैं, आप समझने के लिए समझ सकते हैं। जब हम अनुच्छेद लिखना प्रारंभ करते हैं तो पहले परिचय लिखा जाता है, जिसमें जो शीर्षक है उसके बारे में कुछ परिचय दिया जाता है। फिर प्रधान भाग होता है, मुख्य भाग होता है, जो बीच का भाग होता है उसमें आपको कुछ हद तक लिखना होता है, और इसके साथ निष्कर्ष लिखना होता है। और इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो तीनों हिस्से हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े रह सकें, अर्थात जो अनुच्छेद होता है, परिचय, प्रधान भाग और निष्कर्ष, इन तीनों का योग होता है और इनको एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। और इसीलिए इसे कला कहा जाता है कि जो अनुच्छेद आपने लिखा हुआ है उसमें जो छोटे छोटे शब्द हैं, साथ ही साथ लोकोक्ति इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और सभी को बांध के रखा जाता है। तो अनुच्छेद लिखते समय आपको निश्चित तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से अनुच्छेद को लिखा जा रहा है। तो इसमें घटना या विषय का संतुलित और संक्षेप में विवरण देना चाहिए जो अपने आप में पूर्ण हो। आपको कोई चीज़ें ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए अनुच्छेद में कि बाद में उसके लिए फिर से आपको कुछ सुधार कार्य या बताने की आवश्यकता हो, अर्थात अपने अंदर वो कंप्लीट होता है। साथ ही साथ उसकी जो भाषा शैली होती है सजीव और प्रभावशाली होती है, शब्दों का सही चयन करना चाहिए, लोकोक्तियों, मुहावरों, काव्य का प्रयोग कर सकते हैं और इससे उसमें बहुत अच्छे गुण आ सकते हैं और वो प्रभावशाली बन सकता है। जब अनुच्छेद आप लिखते हैं तो उससे पहले, लिखने से पहले आपको रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बना लेने चाहिए। साथ ही साथ यदि आपने किसी मुहावरे, लोकोक्ति, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया है तो उसे भी नोट आउट कर लीजिए, उसके बाद फिर लिखना प्रारंभ करिए, तब आपका अनुच्छेद बहुत प्रभावशाली बन पड़ेगा और आपको जगह मिलेगी कि किस प्रकार से होगा। क्योंकि विस्तार सीमित होता है तो किसी एक पक्ष का ही वर्णन करना चाहिए, इसमें लोगों को प्रभावशाली भाषा में समझाना चाहिए, स्पष्ट लिखना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे शब्द नहीं लिखने चाहिए, गुड़ शब्द जो होते हैं हिंदी के उसके प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्द लिखें जो कि सभी समझ सकें, और एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए क्योंकि अनुच्छेद का आकार बहुत सीमित होता है, आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलता, इसलिए एक ही बात को दोबारा ना दोहराएं, विस्तार से बचें, बहुत ज़्यादा विस्तार ना करें, लेकिन अपने विषय पर फोकस करें। और हो सकता है आपको अनुच्छेद को संक्षिप्त तो रखना है, लेकिन यदि आपको विषय इस प्रकार का मिला है कि आपको कुछ अतिरिक्त शब्दों की आवश्यकता है तो 10% या 20% अधिक उसका जो साइज है वो बढ़ाया जा सकता है। जो 100 शब्दों की सीमा है 110 शब्दों तक आप ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो, लेकिन कोशिश करें कि 80 से 100 शब्दों के बीच रखा जाए। बहुत छोटा भी अनुच्छेद नहीं लिखना चाहिए, बहुत बड़ा भी अनुच्छेद नहीं लिखना चाहिए, मीडियम साइज जो आप हमने बताया कि 80 से 100 शब्द अर्थात 8 से 10 लाइन तक आप ले जा सकते हैं उसको, और इससे ज़्यादा अधिक बढ़ाने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ जो शब्द सीमा होती है, हमेशा आप जब अनुच्छेद लिख रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि आपकी शब्द सीमा बढ़ ना जाए, और यदि बढ़ रही है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसे अपने बातों को समेट ले। बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर वो निबंध की तरह दिखने लगेगा और जो इफेक्ट होता है जांच करता है या पाठक के ऊपर वो गलत पड़ेगा। साथ ही साथ जो विषय आपको मिला है उसमें सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का आपको समावेश करना होगा, विषय के पूरी बातों को आपको स्थान देना होगा, तो बेकार बातें हैं उन्हें छोड़कर जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें लिखना होगा। साथ ही साथ अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, आपको विषय से नहीं भटकना चाहिए, जो लिख आप जैसा अनुच्छेद लिख रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से ही लिखना है, आपको अलग अलग विषयों पर पाठकों को नहीं ले जाना है, जो विषय दिया है उसको उल्लेख करना है और उसके ऊपर ही आपको टिके रहना होता है। साथ ही साथ सूक्ति अथवा कविता का प्रयोग करने से अनुच्छेद बहुत आकर्षक बन पड़ता है, इसके लिए आपको स्पेस बनाना होगा और पहले से सोचना होगा कि कौन से सूक्ति या कविता का प्रयोग कर रहे हैं ताकि उसके लिए विशेष स्थान मिल सके। जो
जो आपकी भूमिका है और निष्कर्ष है उसके बीच में आपका जो प्रधान स्थान है वहां पर आपको इसका प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ निष्कर्ष इस प्रकार से होता हो कि वो अपने भीतर विषय को रख सके, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। साथ ही साथ जो स्वतंत्र और पूर्ण शब्द होते हैं छोटे छोटे वो मिलकर रचना को बना रहे हैं, तो आपको भाव जो है आपको या तो आरंभ में रखना है या अंत में रखना है, ये आपको पहले से निर्धारित करना होगा। उसी प्रकार से आपके जो शब्द हैं वो बन पड़ेंगे। जो अच्छा लेखक होता है अनुच्छेद लिखने वाला, ये माना जाता है कि वो अपने विचार को अंत में रखता है, अर्थात निष्कर्ष जहाँ पे लिखना है अर्थात आखिरी की एक या दो लाइन जो होती है वहाँ पर मुख्य तौर पे अपने विचार को रखते हैं, ताकि पढ़ने वाले के मन में जो जब अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आखिर में उनके मन में और उससे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। साधारणतः 8 से 10 या लाइन लिखना होता है और कोशिश करिए कि बहुत छोटा या बहुत बड़ा ना रखें। भूमिका और उपसंहार इसमें नहीं होता, जैसा हमने आपको बताया है आपको अलग से भूमिका और उपसंहार नहीं लिखना है। इसके साथ साथ मात्रा की गलती बहुत मायने रखती है, गलतियां ना करें। मात्राओं की जो आपने लिखा हुआ है उसमें ना तो मात्राओं की गलती ना कि शब्दों की गलती बिल्कुल ध्यान रखिए। भले ही आपका जो अनुच्छेद है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन यदि मात्राओं की गलती उसमें है तो वो बहुत गलत निगेटिव असर देता है। साथ ही साथ प्रत्येक पंक्ति विषय से संबंधित होना चाहिए, मन से कुछ नहीं बनाना है आपको, अपने आधार पर कुछ नहीं लिखना है। अधिक प्रभावशाली बनाने के चक्कर में इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको विषय के अलावा हटकर कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे ही आप विषय से हटेंगे तब जो जांच करता है उसे ये पता चल जाएगा कि आप भटक गए हैं और इससे आपके नंबर प्रभावित होंगे। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, समझने में बहुत आसान होनी चाहिए और जो शब्द है वो भी छोटे होने चाहिए। बहुत लंबे शब्द होते हैं तो उनको पढ़ने में उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है तो ये जो 4 लाइनें आप देख रहे हैं ये छोटी हैं, लेकिन ये 5वीं लाइन जो बीच में है इसमें आप देख सकते हैं अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति विषय से संबंधित होना चाहिए, अपने मन से बनाकर कुछ नहीं जोड़ना चाहिए, ये बहुत लंबा हो गया है। तो इसको जब पढ़ेंगे तो जो जांच करता है या पाठक है उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जो ये छोटे शब्द हैं उसे आसानी से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे शब्दों को उपयोग करना चाहिए, लंबे शब्दों का उपयोग अनुच्छेद लिखते हुए नहीं करना चाहिए, इससे उसका अर्थ बदलने की संभावना हो जाती है। अनुच्छेद का जो परिचय है रोचात्मक बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जो जब पाठक उसे पढ़ना प्रारंभ करे तो प्रारंभ से ही उसे उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए, इस प्रकार से लिखना चाहिए। साथ ही साथ निष्कर्ष इस प्रकार से लिखना चाहिए कि अनुच्छेद के अंत का पता चल जाए। प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ तक हो सके शामिल नहीं करने चाहिए, अपने पाठकों को सवाल नहीं पूछना चाहिए, उन्हें सवाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ जो संकेत बिंदु यदि आपने लिखे हुए हैं तो उसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए, अर्थात अनुच्छेद लिखने के लिए अगर 2-3 पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट को भी पूरा मेंशन करना होगा। साथ ही साथ रूपरेखा पहले से निश्चित करना होगा। इसके अलावा जो मुख्य तौर पे तरीका है वो आप समझ सकते हैं कि जो आप अनुच्छेद लिखेंगे तो 1 से 2 वाक्यों में विषय का परिचय लिख दीजिए, 5 से 7 वाक्यों में विषय का वर्णन और उसके बाद अंत में 1 से 2 वाक्यों में निष्कर्ष, ये ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि अनुच्छेद जहाँ तक हो सके एक ही पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि एक साथ जुड़ा हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे जो पैराग्राफ आप समझना चाहें तो यहाँ 1 या 2 वाक्यों से विषय का परिचय, ये जो यहाँ से शब्द है ध्यान रखें तक वो एक पैराग्राफ होगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे अनुच्छेद लिखने से पहले उनकी रूपरेखा निश्चित कर लेनी चाहिए, ये अगला पैराग्राफ आ गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ है वो एक ही पैराग्राफ होना चाहिए और उसके बीच ये आप देख सकते हैं 2 वाक्य 2 वाक्य 7 वाक्य और ये 2 वाक्य, अर्थात कुल मिलाकर 10-11 वाक्य हो रहे हैं ये। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इसे 8 से 10 वाक्यों के बीच में सीमित रखा जाए। अनुच्छेद की जो मुख्य विशेषताएं होती है वो किस प्रकार से होती है, अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें दूसरे विचार नहीं होते, अर्थात लिमिटेड होता है, जिस चीज के बारे में कहा जाता है उस पर ही टिका रहता है। वाक्य समूह के उद्देश्य में एकता रहती है, अर्थात जो वाक्य लिखे जाते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। इसके अलावा अप्रासंगिक जो बातें होती है वो अनुच्छेद में नहीं लिखे जाते, विषय के अलावा कोई बातें उसमें नहीं होती, जो सारे शब्द होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं
और जो अनुच्छेद होता है अपने आप में पूर्ण रचना होता है और अपने आप में कंप्लीट होता है कि अर्थात अनुच्छेद को पढ़ने के बाद किसी पाठक को अन्य कोई चीज पूछने या बताने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में इसे पूर्ण होना चाहिए। जिस किसी घटना का वर्णन किया गया है उस घटना का पूरा सार संदर्भ उसमें होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद के विचारों को प्रारंभ, मध्य और अंत में सही तरीके से लिखना होता है। तो विशेषता जो इसकी है वो जो मुख्य तौर पे सबसे बड़ी विशेषता है कि सामान्यतः ये छोटा होता है, लेकिन लघुतया विस्तार विषय के आधार पर निर्धारित होता है। कई बार इस प्रकार के विषय मिलते हैं कि हमें थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ जाता है अनुच्छेद, और कई बार ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें जिस विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो लघु लिखना आवश्यक हो जाता है। भाषा सरल और स्पष्ट होती है। मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से विषय मिलते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण हुआ, आदर्श विद्यार्थी, बहुमूल्य समय, ये टॉपिक्स जो हैं अनुच्छेद के विषय इस प्रकार से होते हैं। बाल मजदूरी, डिजिटल इंडिया, पर्यावरण, प्रदूषण एक समस्या, तो इसके बारे में आपको लिखना होता है। राष्ट्रीय एकता, शिक्षक दिवस, हमारे त्यौहार और उनका महत्व, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कुछ विषय होते हैं। मेरी पहली हवाई यात्रा, स्वच्छ भारत अभियान, न रहो ना निराश, करो मन को, देश प्रेम, काल करे सो आजकल, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा और इसी पे आपको प्रयास करना चाहिए। अभ्यास का महत्व, विद्यालय की प्रार्थना सभा, मीठी बोली का महत्व, इस प्रकार से मित्र के जन्मदिन का उत्सव, समाचार पत्रों के लाभ, वन्य और पर्यावरण का संबंध, कंप्यूटर एक जादुई पिटारा, ग्लोबल वार्मिंग, योग का महत्व, इंटरनेट का महत्व, सोशल साइट से लाभ, इस प्रकार के आपको कुछ उदाहरण में बताना चाहूँगा कि इनके ऊपर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद में आज के लिए इतना ही साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई चीज़ें लेकर आते हैं, आपके काम की खबर लेकर आते हैं जो आपसे जुड़ी है और आपके काम की है। तो जल्द ही मैं और वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका बटन इस वीडियो के नीचे दिया गया है, हमसे जुड़िए और हम आपके लिए इसी प्रकार और वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल पर वैसे बहुत सारे वीडियो हैं, लगभग 3000 वीडियो हैं, जिन्हें जरूर देखिए। अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो आपके निश्चित तौर पे काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी वर्मा विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।